देखो, कल हमने चैप्टर 12 शुरू किया था। चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, तो कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, उन्हीं चीज़ों से शुरू करते हैं कि जैसे ही कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहले उसकी एक इन्फॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खुद विक्टिम है चाहे वो विक्टिम नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक इंफॉर्मेशन, यदि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कैसा ऑफेंस है? तो कॉग्निजेबल कौन सा होता है? जिसको फर्स्ट ड्यूल में कॉग्निजेबल बताया गया है या किसी अन्य एक्ट में ये लिखा है कि इट इज कॉग्निजेबल, और कॉग्निजेबल को, जो कॉग्निजेबल है उसमें पुलिस विदाउट टेकिंग वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट में अरेस्ट, मजिस्ट्रेट से वारंट लिए बिना अरेस्ट कर सकती। तो सबसे पहले कॉग्निजेबल नेचर के मामले की 154 में हमने पढ़ा था कि 154 में एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, ये पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था, और इसके संबंध में लगभग सारी चीजें हम कल वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। फिर बात आती है कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई तो फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है कि मान लो इंफॉर्मेशन पुलिस रिकॉर्ड नहीं करती है, इंफॉर्मेशन को पुलिस रिकॉर्ड नहीं करती है, तो 156 में कुछ बताया हुआ है। यदि मामला ऐसा है कि नॉन कॉग्निजेबल नेचर की इंफॉर्मेशन है और वो दी गई है, ऑफेंस कैसा हुआ है? नॉन कॉग्निजेबल नेचर का, तो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है तो इसका भी मतलब वही है कि जिसे फर्स्ट शेड्यूल में नॉन कॉग्निजेबल दिखाया हुआ है, पीछे दिया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल शेड्यूल के संबंध में कहां दिया हुआ है, तो उससे संबंधित मामले हैं 155 में। ये भी मैंने कल शायद बता दिया था, और इसमें सिर्फ इतनी सी बात थी कि एक तो नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, दूसरा जैसे ही ये भी रजिस्टर्ड होती है, पुस्तक में ही रजिस्टर्ड होती है, और ये रजिस्टर्ड होती है तो इसे सामान्य तौर पर कंप्लेंट भी बोलते हैं। वैसे कंप्लेंट की कल परिभाषा आप लोगों ने डेफिनेशन देखी थी सेक्शन 2D में, है ना, तो ये भी एक टाइप की कंप्लेंट है। क्यों है कंप्लेंट? इसमें वो ये कहता है कि देखो, हमने तो आपकी इंफॉर्मेशन दर्ज कर ली है, ये जो ऑफेंस है ना नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, सो यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट डायरेक्टली, मतलब ही में रेफर द मैटर टू द कोर्ट। तो वो कहेगा कि भाई कोर्ट में चले जाओ आप, इस ना हमारे इस थाने का मजिस्ट्रेट इस नंबर का है, वहां चले जाओ और ये रिपोर्ट हम आप भेज देंगे, कितने तारीख को वहां चले जाना, रिपोर्ट हम भेज देंगे, तो वो वहां भेज देते हैं। ये कहां पढ़ा था? 155 में। अब बात आती है कि 155 में जो बात दी रखी, सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में प्रोसीड कैसे करते हैं इसके संबंध में। अल्टीमेटली जो एफआईआर दर्ज होती है, जिसे एफआईआर कह रहे हैं, तो उससे संबंधित मामला तो 156 में आएगा सीधे, कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इसका एक क्लॉज है 156 क्लॉज 3, वो ये कहता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की, तो पहला तो यहां 153 क्लॉज 4 भी है, 154 क्लॉज 3 भी है, ये कहता है कि एसपी के यहाँ चले जाओ आप, उस जिले के एसपी के पास चले जाओ। एसपी के पास भी नहीं जाते हैं तब जाके मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं, और ये कंप्लेंट है। अब इसमें मैंने आपको यहां तक बता दिया था कि दो एक्शन मजिस्ट्रेट ले सकता है, मे डायरेक्ट
मैं डायरेक्ट टू इंचार्ज, टू रजिस्टर्ड एफआईआर, एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। एफआईआर दर्ज नहीं की तो 156 में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या लाइन लिखी थी, कल मैंने लाइन बताई थी, क्या लाइन लिखता है, अन्वेषण कर कार्यवाही रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। एक ही लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अन्वेषण कर कार्यवाही रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत की जाए, ठीक है, ये उन्होंने लिख दिया। बेरक तो सभी के पास है ना, है बेरक तो है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था, एक तो ये बात लिखी थी यहां कि भाई इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हो गई, नहीं करी तो 156 में चले गए। यहां पर ये कहता है कि जैसे 156(3) में आदेश आया तो रजिस्टर करनी है और ऐसे ही प्रोसीड करना है, ठीक है। साथ में इसने एक बात और लिखी कि हर कॉग्निजेबल मामले में बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन के भी कोई भी पुलिस का ऑफिसर जिसके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड की गई है वो इमीडिएट क्या कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है, क्या कर सकता है। तो देखो यहां दोनों में अंतर है के? कि नॉन कॉग्निजेबल में तो विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, और ये यहां पे विदाउट परमिशन, न्यायालय की कोई अनुमति नहीं चाहिए, न्यायालय की कोई अनुमति नहीं चाहिए, ये काम कर सकते हैं। तो 156 में क्या समझ में आया, आपके दो ही बातें दे रखी हैं, क्या कि एक तो बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जब भी प्रारंभ करेगी पुलिस तो उसे अरेस्ट करने का राइट भी मिलेगा। देखो एक एग्जांपल से समझो, मान लो कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है, कैसा है, तो नॉन कॉग्निजेबल है जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कर दिया, मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि चलो इन्वेस्टिगेशन करो, तो फिर वो सब कर सकती है जो कॉग्निजेबल में कर सकती है। मजिस्ट्रेट हैज डायरेक्टेड, यदि मजिस्ट्रेट ने निर्देश दे दिया है तो वो सब कर सकती है जो, ठीक है, सब समझ में आ गया। 156, अब क्या होता है कि इसके बाद एक सेक्शन है 157। सेक्शंस में आपको एक काम जरूर करना है, जो सेक्शंस यहां लिख रहे हैं हम नंबर्स डाल रहे हैं उनके टाइटल्स हेडलाइंस पक्के याद करने ही हैं। अब उसका तरीका क्या है, जैसे अभी जैसे 157 आया, 157 आया तो 157 को कम से कम क्लास में ही 5-5 बार अपने ही मन में एक बार रिपीट कर लिया करो। जैसे 157 आया तो कम से कम 5 times यू आर टू रिपीट इट इन योर माइंड। अब क्या है ये प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की प्रक्रिया है, क्या है ये। अब अन्वेषण की प्रक्रिया में से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एग्जाम के बतौर याद रखनी चाहिए, पहली बात जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि इसके कंसेप्ट या सीक्वेंस को याद रखना चाहिए। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है
तो इसकी एक सूचना इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को भी पहुंच चुकी है, क्योंकि आपने एफआईआर दर्ज की थी तो कल बताया था ना चार कॉपियों में कट जाएगी, तो एक इंफॉर्मेशन वहां भी पहुंच चुकी है। मान लो वहां नहीं पहुंची है तो ये इंचार्ज का काम है कि वहां भी पहुंचा दे, वहां भी एक सूचना पहुंचा दे। फिर काम यह है कि वो जहां जगह पर जिस जगह पर इन्वेस्टिगेशन होना है वहां या तो खुद जाए, खुद नहीं जाता है तो उसके पास जितने लोग हैं, मान लो उसके पास 50 थानेदार और कांस्टेबल और ये सब लोग लगे हुए हैं, तो 50 का स्टाफ है तो वो किसी को भी कह देगा भाई जाओ इस फला व्यक्ति को वहां भेजो, इसमें इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरी इसी में यह तय कर देगा कि किसी को अपने सबॉर्डिनेट को इंचार्ज बना देगा किस बात का, इन्वेस्टिगेशन का, तो वो उस स्थान पर जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा। ये सब बातें कहां लिख रही है, 157 में। आपके एग्जाम के हिसाब से जो आपको याद, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट एक चीज, ये अब यहां ये समझ में आता है कि ये रिपोर्ट कौन सी वाली रिपोर्ट है, है? ये 157 में जो रिपोर्ट दे रखी है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, ये कौन सी रिपोर्ट है? अरे पुलिस रिपोर्ट तो बाद में आएगी भाई, ये वाली कौन सी रिपोर्ट है? देखो ये वाली जो रिपोर्ट है ना, अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही तो लिखी गई है, वही रिपोर्ट है ये, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की ही एक प्रति अपने मजिस्ट्रेट को भेजनी है। 157 में जो रिपोर्ट दे रखी है वो एफआईआर की ही कॉपी है। अच्छा इस रिपोर्ट में होता क्या है कि मान लो रिपोर्ट भेजनी है, प्राइमा फेसी रिपोर्ट भेजनी है, तो रिपोर्ट में ये भी बना के भेजना होता है कि हमने अभी तक क्या किया, क्या एक्शन लिया हमने, तो वो एक्शन भी लिखना पड़ता है, और साथ में उनका जो बॉस है उस बॉस से कहा जाता है सर ये मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली है। देखो एक चीज और समझो, सीआरपीसी का सेक्शन 57 है, एक कौन सा सेक्शन 57 है, वो कहता है कि 24 घंटे के भीतर क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर भीतर जो आदमी आपने अरेस्ट कर लिया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने रखो। कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर भीतर। इसका मतलब ये भी है, जब आप 167 पढ़ोगे, 167 पढ़ोगे तब आएगा, वो ये भी कहता है कि आपको जो इन्वेस्टिगेशन का काम है ना वो 24 घंटे में ही पूरा कर लेना चाहिए। क्या कह रहा है? 24 घंटे में ही पूरा कर लेना चाहिए। अब नहीं पूरा होता है तो उसके लिए प्रक्रिया है, क्योंकि नहीं होता पूरा 24 घंटे में भाई, जैसे यार आपने अरेस्ट किया, अरेस्ट के साथ है, आपको इन्वेस्टिगेशन भी पूरा कर लेना चाहिए था। अब जरूरी है कि वो पूरा हो जाएगा, पूरा होता ही नहीं है, 99.9% केसेस में नहीं होता। तो फिर पुलिस कहती है कि साहब हमें इसकी आदमी की रिमांड दे दो, पुलिस कहती है रिमांड दे दो। तो ये जो रिपोर्ट है 157 में जो रिपोर्ट दे रखी है वो कौन सी वाली रिपोर्ट है? एफआईआर वाली रिपोर्ट ही है जो आपने भेजी कि सर ये भेज दिए। यदि आपका कंक्लूजन 24 घंटे में ही पूरा हो गया तो 173 क्लॉज 2 की रिपोर्ट, जिसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, कौन सी? 173 क्लॉज 2 की रिपोर्ट जिसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं वो भी पेश कर दो। आप कर सकते हो तो, यदि इन्वेस्टिगेशन आपने पूरा कर लिया है तो, जल्दी इन्वेस्टिगेशन में मना थोड़ी है, आप 24 घंटे के भीतर भीतर कर सकते हो तो पेश कर दो। तो उस स्थान पर जाना, यदि आवश्यकता पड़ रही है तो उसे अरेस्ट करना, ये सब बातें 157 में। तो एक बार फास्ट 157 अपने अपने लेवल पर पढ़ लो,
इतनी सी बात है, 157 में ये शब्द आपको याद रखने चाहिए, और आपको इसमें कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या क्या शब्द हैं ये। पहली बात तो 157 में क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का। दूसरी बात क्या कहता है कि एक तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो जैसे शुरू करते हैं तो रिपोर्ट की एक कॉपी वहां चली जाएगी। तीसरी बात है कि डेप्यूट वन सबॉर्डिनेट फॉर इन्वेस्टिगेशन, डेप्यूट मतलब लगाना, एक आदमी को लगाएगा किस काम के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आदमी लगाने का मतलब समझ रहे हैं, टू फिक्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इट मे बी पॉसिबल इंचार्ज हिमसेल्फ कैन इन्वेस्टिगेट एनी मैटर, इट इज नॉट नेसेसरी टू डेप्यूट अनदर पर्सन। यह जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही दूसरे आदमी को लगाए, वो खुद भी कर सकता है। तो कभी कोई पूछे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन से सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है, तो आप बता दीजिए 157 में होता है। ठीक है, रिपोर्ट कहाँ भेजनी है। अब इसमें एक चीज और है, हमने बताया था कि वो फटाफट उस स्थान पर जाएगा, उस स्थान पर जाएगा और उस स्थान पर देखेगा, क्या करेगा, देखेगा कि कहाँ अपराध हुआ, कौन अपराधी है, ये सब देखेगा। साथ में जो पीड़ित है, खास तौर से कौन सा पीड़ित, रेप विक्टिम, यहां पे आप विक्टिम की जगह पे रेप विक्टिम ही लिख लेना, मैंने रेप विक्टिम लिखा है ना, तो रेप विक्टिम की बात है, रेप विक्टिम या यौन अपराधों से जुड़े हुए मामले। मैंने सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला चैप्टर आपसे पढ़ने के लिए दिया था, है ना, कितने लोगों को पता है गैंग रेप का सेक्शन कौन सा है। कोई महिला जो 12 वर्ष से कम आयु की है उसके साथ रेप कमिट करने का सेक्शन कौन सा है, है? डीबी। और 16 वर्ष से कम वाली के लिए, ये सब नंबर आपको याद रखने हैं। अच्छा, 326 ए में क्या है, और 356 बी में, बहुत सॉरी 326 बी में है, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। आईपीसी भी, अब आपका करना क्या है, रोज आईपीसी रिवाइज करना, रोज नई सीआरपीसी पढ़ना, फिर सीआरपीसी भी पीछे रह जाएगी तो रोज सीआरपीसी आईपीसी याद करना, एविडेंस नया पढ़ना, फिर एविडेंस भी हो जाएगा तो नो, फिर दूसरा से एक्ट जो भी चल रहा होगा उसको भी पढ़ना। अब रोज सीआरपीसी आईपीसी रिवाइज करने के लिए 1 घंटे में आईपीसी कैसे रिवाइज करोगे, आपका ब्रीफ बना होगा, आईपीसी का ब्रीफ बना हुआ तो ही कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो जो इस तरह की विक्टिम है ना, रेप विक्टिम के स्टेटमेंट कहां रिकॉर्ड होते हैं, उसके रेजिडेंस पे या कोई सा प्लेस ऑफ हर चॉइस, उसकी उसकी इच्छा वाला जो भी कोई प्लेस है ना, उस प्लेस पर एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए मान लो उसकी उम्र कम है तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, परिवार का नहीं है तो सामाजिक संस्थाओं का हो सकता है, ठीक है ना। अब 157 को आप जस्ट रीड करो, आप अपने बने उसमें, बेर एक्ट में थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, पर बेर एक्ट में ये नए अमेंडमेंट भी है।
पढ़ लिया। पढ़ लिया। अब देखो 158 और है, इसमें एक लाइन का ही है। रिपोर्ट कैसे पेश की जाती है, तो आप यहां पर लिख दो थ्रू सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, थ्रू सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निर्देशन में। तो ये वाली कौन सी रिपोर्ट के लिए कह रहा है 158 में? देखो ये रिपोर्ट कोई सी भी हो, एक तो ये भी है जो अभी 158 वाली, वो 157 वाली, इसके अलावा और भी रिपोर्ट है जो 173 रो की रिपोर्ट भी है, वो भी उसके थ्रू होगी। मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देखेगा कि भाई क्या है पुलिस, जो रिपोर्ट आपने तैयार की है ना, वो रिपोर्ट में क्या क्या बनाया है, वो भी है, वो रिपोर्ट भी है। तो जब भी कभी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो दोनों दोनों ही रिपोर्ट्स की बात हो, तो थ्रो सीनियर पुलिस ऑफिसर या सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, उसके थ्रू होगी। तो वो क्या करेगा, जब जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास जाओगे तो वो देखेगा कैसी रिपोर्ट है, क्या बना है, बोले यार ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो। तो इफ ही हैज गिवन एनी डायरेक्शन टू द इंचार्ज, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द इंचार्ज अमेंड हिज रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, जो डायरेक्शन दिए रखे हैं उनके अनुसार उसे चेंज करें, उन डायरेक्शंस के अनुसार क्या करें, चेंज करें। तो समझ में आ गया 158 है, सबके समझ में आ गया। अब देखो नीचे नोट्स भी खोल लो साथ साथ। अब देखो 157 और 169 का डिफरेंस दे रखा है, 157 का और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन में गए और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा तो फर्जी एफआईआर दर्ज करा दिए, फर्जी इंफॉर्मेशन दे दिए, इंफॉर्मेशन की कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेगा पुलिस वाला, स्टॉप कर देगा ना, मान लो स्टॉप कर देगा कि तो बिल्कुल गलत ही है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो दोनों चीजों का थोड़ा सा सेक्शंस के अंतर देखोगे ना, 157 में जो स्टॉप करता है ना, वो प्रारंभिक स्टेज पे ही कर देता है। दो बातें हो सकती हैं कि एक तो गंभीर प्रकृति का नहीं है मामला, कौन सी प्रकृति का नहीं है, मतलब कॉग्निजेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन जो लिखाने वाला है तो वो तो कैसे लिखाता है, वो तो कोशिश करता है कि कॉग्निजेबल बने। जैसे मान लो अपनी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए दो लड़कों में धक्का मुक्की हो गई, उन्होंने कहा अभी तेरे को बताता हूं, मेरे फादर क्या है पुलिस में ही है, और वो थाने जाता है, उन्होंने कहा जी मेरा, मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, अब झूठी कहानी बना रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा था, जाते वक्त फला व्यक्ति ने मुझे रास्ते में रोका, रोक कर मेरे से मारपीट की, मारपीट करके मेरी एक चेन और मेरे जेब में 5,000 रुपए थे वो छिना लिए। जो सामान्य तौर पर ऐसे ही एफआईआर लोग लिखाते हैं। अब पुलिस गई तो पूछा उन्होंने क्या बात थी क्या था। अब मान लो वो जिसके सामने ऐसी घटना हुई और सिर्फ धक्का मुक्की हुई है गाड़ी खड़ी करने को लेकर, तो उसने पुलिस वालों ने देखा, वो कैमरे चेक कर लेते हैं, कैमरे में देखा कुछ हुआ ही नहीं, तो वो पुलिस वालों के पास पहुंचा तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पुलिस क्या करेगी ऐसी स्थिति में,
मामला ही नहीं बनना, तो 157 में वहीं स्टॉप कर देगी। ये धक्का मुक्की हुई है, ठीक है कंप्लेंट फाइल करा दे या सीधे मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जा। 155 की स्थिति है, गंभीर प्रकृति है तो 154 की है, और सामान्य है 155 की है। हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होती पुलिस, तो 157 में स्टॉप कर दिया, क्या कर दिया इन्वेस्टिगेशन। अब मान लो इन्वेस्टिगेशन करता गया करता गया करता गया, सब किया, उधर पूछा पाछी सब किया, और बाद में उसे लगा कि यार इसमें तो कोई खास एविडेंस है नहीं, एविडेंस ही नहीं मिले, तो वो 169 में बंद करता है मामले को, क्या करता है। समझ में आया कि दोनों, एक में 169 में बंद कर रहा है और एक में 157 में ही। जैसे दो लड़के हैं और वो लड़के क्या कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर एक दूसरे के ऊपर घूंसा मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई है। एक आदमी 100 नंबर पर फोन करता है, तत्काल पुलिस आ जाती है, और वो दोनों एकदम रुक जाते हैं और रुक के कहते हैं कुछ नहीं सर, हम क्या एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब पुलिस वाले अपना डीजल खर्च करके आए, वहां तक आए, तुम तो प्रैंक के चक्कर में भीड़ भाड़ इकट्ठी कर ली, सॉरी सर हम तो प्रैंक वीडियो। तो पुलिस वाला क्या करेगा, आइंदा मत करना सर, सब प्रैंक निकाल दूंगा तेरा, हम भागे भागे आए और ये काम कर रहा है पब्लिक प्लेस पे। तो आगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन को क्या करेगा, मतलब करेगा ही नहीं, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन हुआ थाने से वहां तक भाग कर आना और फटकार के चले जाना। आपने देखा ना प्रैंक वीडियो, बहुत सारे लोग देखे प्रैंक वीडियो, देखते हो नहीं, ये कह रहे देखते नहीं है। मैंने पूछा देखते देखे कहाँ देखे, मैंने कहा देखते हो, नहीं देखते नहीं है, पहले देखती थी, अब तो क्योंकि ये पढ़ाई आ गई तो अब नहीं देखती। अच्छा, तो उसमें पुलिस के भी प्रैंक हैं, पुलिस के भी हैं, पुलिस वालों से भी उलझते दिखाया है, और बड़े बड़े खतरनाक प्रैंक भी हैं। तो 169 में क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ मामला। अब देखो 169 तो क्या है, आगे आएंगे हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन करते करते चले जाते हैं ना, तो एक सेक्शन आता है 169, उसकी दो स्थितियां होती हैं। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो जहां पॉजिटिव मिल जाए तो वो 173(2) है। क्या है वो? 173(2) है, हाँ सॉरी 170 की है ये, 170 की दो स्थितियां हैं। अब ये सेक्शन आप ये सोचोगे या 170 पहले आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। तो ये तो हो गया 170 169, और ये हो गया 173(2). तो इसमें क्या है, पॉजिटिव मिल गया मतलब एविडेंस है, और यहाँ क्या एविडेंस नहीं है। ये स्थिति किसमें से निकल के आई, धारा 170 के दो हिस्से हैं इसके, हाँ। तो ये अब आप सोच रहे होंगे 158 से सीधे 170 पर पहुंच गए, इसलिए पहुंच गए क्योंकि उसका 157 के साथ 169 का डिफरेंस बताया। तो जब एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, क्लोज द रिपोर्ट, मतलब एविडेंस नहीं है, और यहां पर क्या है एविडेंस अवेलेबल है। दोनों चीजों में अंतर समझ में आया आपके? चलो नेक्स्ट।
158 के बाद 159 पड़ी है, 159। ना 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 ना, दरअसल ये क्या है, बिल्कुल गुच्छा है, इसीलिए सबको समझाने साथ साथ कर रहा हूं। अभी देखो फिर दोबारा सुनो क्या समझाया मैंने आपको। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद 4 में कटी, 1 उसके मजिस्ट्रेट के भी पहुंच गई। पहले एलसी लेके जाया करता था, हाथ से जाती थी, अब तो ऑनलाइन चली जाती है। तो वो रिपोर्ट वहां पहुंच गई, उन्होंने कहा अच्छा इस तरह की है। मान लो वो रिपोर्ट ऐसी है जिसमें नहीं पता चल रहा है कि कॉग्निजेबल मामला है नॉन कॉग्निजेबल है, और भेज दिया, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, तो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है मजिस्ट्रेट। चाहे तो वो कह सकता है कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ का एक मजिस्ट्रेट इसका इंक्वायरी भी करेगा, क्या करेगा, इंक्वायरी भी करेगा, इस तरह एक साथ ही है ये सारा। ऐसा नहीं कि पहले इतना काम हो चुका है फिर इसके बाद ये हो रहा है, ऐसा सेक्शन में। तो इसलिए स्टूडेंट क्या होता है कि बहुत तेजी से कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता यहाँ क्या है, ये रिपोर्ट कौन से वाली आ रही है, ये कहाँ से आ गई, ये क्या हुआ। यहाँ तक का एक साथ पोर्शन है ये, यहाँ तक कि बात में कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछ सकता है। नहीं कल, कल आप नहीं थी, क्या नाम है आपका, है संतोष। संतोष ऐसा है कि जब भी पुलिस वाले को डायरेक्ट करते हैं ना कि इंक्वायरी करो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब मजिस्ट्रेट करता है तो यही क्रिया इंक्वायरी कहलाती है। अब जब इंक्वायरी कहलाती है तो उसने मान लो पुलिस वाले को कहा तो ये इन्वेस्टिगेशन, और अपने ही किसी सबॉर्डिनेट को भी कह सकता है मजिस्ट्रेट, अच्छा जाओ आप भी देख के आओ मामला क्या है। अब जैसे ऐसी स्थिति कब बनती है, कहते नहीं है लेकिन कब बनती है, जैसे एक एफआईआर दर्ज हुई कि एक मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं हमारे मोहल्ले में, और मजिस्ट्रेट साहब ने अपने उनके पास जिसका घर है उसको पीट दिया है, उसको पीट दिया है। तो मजिस्ट्रेट साहब, ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, एफआईआर तो दर्ज हो सकती है। अरेस्ट के मामले में कहा है कि अरेस्ट हाई कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हो सकती है, किसी के खिलाफ भी हो सकती है। तो चूंकि मामला किसका है, मजिस्ट्रेट का। अब वो एक कॉपी वहां भी चलेगी ना कोर्ट में, उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट का, चलो अपने सबॉर्डिनेट से जांच करो असलियत क्या है, ये पुलिस वाले तो दिक्कत नहीं कर रहे वैसे ही बना के ला रहे हैं, तो उसके लिए दे रखा है। और जनरली चूंकि ये प्रोसीजर तो यूज में नहीं आता है, इसमें नहीं आता, यूज में नहीं आते, लेकिन एकेडमिकली व्यवस्था तो है ना, तो मजिस्ट्रेट भी जांच करेगा, जांच करेगा तो वो क्या करेगा, तथ्यों की सत्यता को परखेगा, क्या करेगा, बस। यहां तक के में कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीबडी एल्स, अब देखो आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या था, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस था, क्या। अब कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस है तो एविडेंस कहां से करें, तो जब किसी ने इंफॉर्मेशन दी तो हो सकता है कि उसने लिखा होगा इतनी भीड़ लग रही थी, या वो मौके पर पहुंचा तो वहां, तो एक सेक्शन 160 है, कौन सा है 160। तो पुलिस को ये पावर है कि कहे किसको, पुलिस को ये पावर है कि ये कहे
विटनेसेस को कि चलो आप हमारे पास आओ, उन्हें वो समन कर सकता है। क्या कर सकता है? तो समन आया है, पुलिस ने निकाला हुआ है, तो विटनेस को जाना पड़ेगा वहां, ठीक है ना। 160 पढ़ो आप, 160। अब देखो 160 की हेडलाइन तो आप पक्का याद रख लो, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। लेकिन हेडलाइन से ही सारी बात पता लगती है, लेकिन इसमें एक लिखा हुआ है कि जो 15 वर्ष से कम, इसके संबंध में 15 वर्ष से कम वाले के लिए क्या है? थाने पर नहीं बुलाओगे किसी बच्चे को, क्या कह रहा है? थाने पर नहीं बुलाना है, तुम खुद चले जाओ। अच्छा एक और चीज, जो रेप पीड़िता है या सेक्सुअल ऑफेंस का कोई मामला है उसको भी नहीं बुलाना। कहाँ लिख रहा है? इससे पहले पढ़ लिया ना आपने, इससे पहले पढ़ लिया ना, वीडियोग्राफी होगी, जो कुछ भी पूछेंगे, और उसके घर पे हो सकती है या उसके चॉइस के स्थान पे हो सकती है, हो सकता है कोई, ये पहले पढ़ा दिया ना, 157 में भी तो पढ़ा था। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी यही है, दो ही शब्द ध्यान रखने, एक तो अटेंडेंस करने का, उसका किसी भी विटनेस को अटेंड कर बुलाने का अधिकार है, फिर भी जो 15 वर्ष से कम, तो मतलब आपके जो नोट्स हैं, कौन से नोट्स, तो मतलब हेडलाइन से ही आपको समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है प्रोविजो, परंतु में आपने लिखा रखा है पंद्रह वर्ष, तो आप 15 वर्ष से ही समझ जाओ कि क्या कहना चाहता है 15 वर्ष से। बाय द वे रिवीजन में 15 वर्ष से समझ में ना आए तो डायरेक्ट खोल के देख लो, समझ में आ गया, तो उनको नहीं बुलाना है। इसमें डायरेक्ट में एक केस दे रखा है कमलानंथा वाला, ये एक मैन था, और जो 15 साल से कम की लड़कियां थी बहुत सारी, तो ये कमलानंद था, एक बाबा है जिसके ऊपर चार्ज लगे थे रेप के, तो आश्रम की लड़कियों को बारी बारी से बुलाता था, आश्रम में बहुत सारी लड़कियां थी, उनको बुलाता था बारी बारी से एक एक करके, तो लड़कियां, ये तय हुआ कि लड़कियों से यदि हमने वहां एविडेंस लिया तो लड़कियां तो कुछ बताने वाली नहीं, वो कह देंगी सब मना कर देंगे, क्योंकि उस मेहनत का बहुत डर है, तो क्या करें, तो थाने पर बुला के कर लें, थाने पर तो डरेंगी नहीं, थाने पे सही बात बता देंगे, तो थाने पे बुला लिया, पर एक्ट क्या कह रहा था कि आप बुला नहीं सकते, लेकिन बुला लिया आपने, बुला लिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चल गया कि ये विटनेस तो माने नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी गवाही थाने पर बुलाकर की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा थाने पर गवाही बुलाकर सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि उन बच्चियों को आपका डर था, तो यदि ऐसी स्थिति में किसी 15 वर्ष की लड़की को नीचे को थाने पर बुलाकर एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है ना, तो सिर्फ इस कारण से कि थाने पर किया था इलीगल नहीं हो जाता, समझ में आ गया 160? बिल्कुल शॉर्ट में लिखते चले जाइए, डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब हेडलाइन ऊपर लिखी हुई है
और नीचे लिखा है 15 वर्ष से कम। तो 15 वर्ष से कम शब्द को ही आप समझेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट दिखा हुआ है 161। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब देखो जितने भी साक्षी हैं, जितने को सम्मान 160 में किया, जो भी है, जैसे अभी देखा ना, आप बता सकते हो कि पुलिस वाले अरविंद केजरीवाल को जो सम्मान कर रहे थे वो कौन से सेक्शन का था है? अब देखो यहां जो अभियुक्त है ना, जरूरी नहीं है कि वो अभियुक्त बाद में साक्षी अभियुक्त हो सकता है। ये सब 160 से बुला रहे थे और ईडी वाले जो पुलिस बयान दर्ज करते हैं लंबी लंबी सिटिंग बिठा के, वो सब कौन से कहलाते हैं 161 के। वो बयान किसके हैं? मतलब कोई भी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बयान दर्ज कर रही है तो वो 161 सीआरपीसी के बयान समझे जाएंगे। समझ में आ गया सबके? अब एक बार बताओ, कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा पुलिस से तो कुछ भी कह दो, पुलिस की बात सही नहीं मानी जाती, ऐसे सुना है ना आपने? अच्छा, पुलिस वाले शपथ पर साक्ष्य नहीं ले सकते, मतलब कसम दिलाएंगे नहीं। शपथ बताई थी ना, शपथ का मतलब क्या है? कसम दिलाना। तो पुलिस वाले कसम नहीं दिलाएंगे, एफिडेविट नहीं लेंगे, क्या करेंगे फिर? वो बिना एफिडेविट के ही काम करेंगे, हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि पुलिस वालों के सामने झूठ बोलो? नहीं, बताया था ना आईपीसी में। तो हर आदमी का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान है, क्या है? कि चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, उसके सामने भी सच सच बोलना। ये एक अलग बात है, पुलिस के सामने सामान्यतः सच नहीं बोलते हैं लोग। लेकिन क्या कह रहा है एक्ट? पुलिस के सामने भी सच बोलना है। क्या बोलना है? सच के सामने नहीं, पुलिस के सामने। ये कह रहा है सच के सामने सही बोलना है। के बयान पुलिस लेती है, 161 के बयान पुलिस लेती है। ऐसे ही बयान जो मजिस्ट्रेट लेता है तो वो 164 में जाते हैं। कौन से में जाते हैं? और पुलिस जब लेती है तो 161। ठीक है, एक बार क्या हुआ, ये क्वेश्चन आया था आप प्रियंका बताओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। अगर सामने जो
गलत इंसान होता है जिसने कोई जुर्म किया होता है, वो एक बार रिटर्न में दे देता है कि उस ये स्टेटमेंट है मेरा, और नेक्स्ट टाइम वो अपना स्टेटमेंट से मुकर जाए, तब क्या होता है सर? नहीं, स्टेटमेंट दिया किसके सामने है ये डिपेंड करेगा सर, एसपी के सामने। देखो लिसन, मान लो एक आदमी है, पहले दोनों बयान एसपी के सामने दिए हैं क्या? हाँ जी सर। पहले एसपी के सामने कुछ बोला और एसपी के सामने दूसरी बार में कुछ बोला, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 161 के बयान है, कौन से बयान है वो, चाहे वो एसपी ले या पुलिस ले, सारे के सारे बयान किसके हैं? 161 के बयान है। तो पुलिस वाला उसे पूछ सकता है कि पहले आप ये कह रहे थे, अब ये कह रहे, तो कौन से वाले को सही माने? तो इट इज द चॉइस ऑफ दैट पर्सन कि वो अपने कौन से बयान को सही माने। वो कहेगा नहीं पहले वाला सही था, वो कहेगा नहीं बाद वाला सही था, पहले वाला गलत था। तो वो गलत और सही में तो वो कह देगा कि पहले इन्होंने बेशक ये दिए थे लेकिन सही ये है, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन है 145। अब जैसे मैं दूसरे सेक्शन पर चला जाता हूं तो आपको हो सकता है कि असुविधा होती हो, आप आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तीनों के डायरेक्ट साथ साथ लाया करो। तो उसमें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए दिया हुआ है, लेकिन कोर्ट में कंट्राडिक्टरी एविडेंस जो होते हैं ना, कि जैसे एक 161 के बयान में उसने कुछ किया और न्यायालय में कुछ किया, तो न्यायालय उसके सामने कहता है कि देखो आपने पुलिस के सामने तो ये कहा, अदालत के सामने ये कह रहे हैं, तो कौन से बयान को सही माने? बयान तो उसी का है, तो वो गलत बयानी भी कर दे तो कोई गलत बात नहीं है। एक बयान तो तय करना पड़ेगा ना, दोनों तो चल नहीं सकते, कोई सा एक तय कर ले तो कौन से वाले को वो रखना चाहता है, दोनों में से कोई से एक को तय कर ले कौन से वाले को रखना चाहता है। ठीक है, एक सौ इकसठ पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लिया। देखो क्या है, 161 में भी पुलिस को सही बताना ड्यूटी है। अब पुलिस क्या करेगी कि दो तरह के लोग हैं, एक तो सामान्य मामले से जुड़े हुए होते हैं और एक ऐसे होते हैं जैसे मान लो कोई रेप का मामला है या इस तरह के मामले हैं, तो यहाँ जो रेप पीड़िता है उसके चॉइस के स्थान पर भी बयान रिकॉर्ड होंगे उसके। लेकिन इसके बयानों की एक खूबी है, या जैसे इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था, कोई मान लो डिसेबल्ड पर्सन है, कैसा है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसके बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो उस समय वीडियोग्राफी हो रही होगी। क्या हो रही होगी? वीडियोग्राफी। अब आप बेयर एक्ट में 161 पढ़ो एक बार, ब्रीफ तो मैंने लिख रखा है नोट्स में बहुत ज्यादा ब्रीफ है, लेकिन आप 161 उसमें से पढ़ो, बेयर एक्ट में से पढ़ लो एक बार। समझ में आ गया? अब देखो दो तीन बातें 161 के बयान में, कि मान लो सेक्सुअल ऑफेंस है, तो लेडी पुलिस, ठीक है, लेडी पुलिस रिकॉर्ड करेगी, वीडियोग्राफी होगी,
पढ़ लिया। अब देखो सेक्शन 161, 62, 63, 64 तक एक जैसी सेक्शन है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। पढ़ लिया। पढ़ लिया। फिर 162 है, इसी का 161 का एक हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर, अपने ही विरुद्ध हस्ताक्षर करके उसे नहीं फंसाया जा सकता। तो यहां ये कह रहा है 161 के जो बयान होते हैं ना, 161 के जो बयान होते हैं वो पुलिस वालों को रिकॉर्ड कराने की जरूरत नहीं है, मतलब उन पर हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिया। तो देखो इसमें जो बातें हैं आपको 162 में ध्यान रखनी है कि एक तो ऐसे ऑफेंसेस की वीडियोग्राफी है, दूसरी एविडेंस एक्ट की चर्चा की है इसने। ये कॉरोबरेटिव जैसे कंट्राडिक्शन के लिए, कौन से कंट्राडिक्शन के लिए, खंडन करने के लिए आते हैं। तो ये एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई आदमी खंडन कर सकता है, कि जैसे भी आपने उन्होंने प्रियंका ने पूछा था कि सर कोई आदमी एसपी के सामने कुछ कर रहा है और इसके सामने कुछ कर रहा है, तो मतलब कंट्राडिक्टरी बयान हो तब क्या होगा। तो यहां पर 145 एविडेंस एक्ट का यूज हो जाएगा। 145 एविडेंस एक्ट क्या कहता है, 145 एविडेंस एक्ट क्या कहता है, है? हाँ, दोनों में से एक बात सही होगी, दोनों से बातें सही नहीं होंगी। फिर 163 है, वैसे तो एविडेंस एक्ट ने भी मना कर दिया। 160 उत्प्रेरणा धमकी, वचन नहीं दिया जाएगा, एक मतलब कोई प्रलोभन नहीं देंगे कि देखो तुम्हें ये बना देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें तो छोड़ देंगे, तो इस तरह के प्रलोभन को नहीं देना है। ये उत्प्रेरणा धमकी और वचन इनको समझते हो क्या, मारपीट करना, टॉर्चर करना, ये वाला है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक तो जैसे 162 में तो आप लोगों ने पढ़ा उसे बात भी नहीं किया जा सकता, यहाँ क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो कि 163 में मारपीट या इस तरह की किसी पीड़ा के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। 163 को भी जस्ट एक बार रीड कर लो और पॉइंट्स में लिखो शब्दों को, दो तीन शब्द हैं जो 163 में आपको पता होने चाहिए। एक तो यही 145 एविडेंस एक्ट, एक सौ चौसठ। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये 164 के बयान, कल ही बताए थे मैंने 164 के बयान, मतलब यहाँ अभी कोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी कुछ लोगों के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड कराना जरूरी है, क्योंकि बाद में वो मुकर सकते हैं, और मुकरेंगे तो मुकर जाओ, कोर्ट फिर भी काम करेगी। देखो
164 में दो तरह के स्टेटमेंट आते हैं। एक तो स्टेटमेंट होते हैं जो जो कोई आदमी, कोई भी आदमी है वो रिकॉर्ड उसके होते हैं, और 164 में एक पीड़ित, कौन है? पीड़ित, पीड़ित महिला, उसके बयान रिकॉर्ड होने। 164 में ही कोई कहता है मेरे को जुर्म स्वीकार करना है, उसके भी होने। और 164 में क्या दिलाई जा सकती है? शपथ पर साक्ष्य हो सकते हैं। किस पर? एक सौ चौसठ बता दिया ना, कन्फेशन। कन्फेशन भी इसी में रिकॉर्ड होता है। कल बताया था ना, मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई आप कन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं किए जा रहे, आप चाहो तो मना कर सकते हो। 164 के बयान में ना, शपथ केवल उसमें दिलाएंगे जिसमें 164 में कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक देखो, एक लाइन लिख लो थोड़ा सा, 164 इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लो। और मैं दो तीन शब्द लिख देता हूँ 164। देखो 164 में क्या 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 आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है कथन, स्टेटमेंट, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का कथन है ये। दूसरा पीड़ित के कथन है, तीसरा कन्फेशन या संस्वीकृति है, कन्फेशन समझते हो? अपने जुर्म को स्वीकारना। कन्फेशन का मतलब क्या है? अपने जुर्म को स्वीकारना, जुर्म स्वीकार करना चाहता है ना। तो कोई आदमी जुर्म स्वीकार कर रहा है तब तो उसे शपथ दिलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कह रहा है जी मैं अपना जुर्म स्वीकार कर रहा हूं। कि नहीं, तू तो कसम खा के बता तू अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है, सही से कर रहा है या गलत कर रहा है? अरे भाई वो खुद ही कर रहा है, तो कन्फेशन में तो कोई वो हो गई नहीं। लेकिन यहां जो स्टेटमेंट है ये ऑन ओथ होंगे, लड़की को, लड़की के भी इसी में होंगे, लड़का भगा के ले गया तो उसके भी होंगे। है देखो, स्टेटमेंट जब पीड़िता के स्टेटमेंट के लिए, जैसे आप 157 में जाएंगे ना तो वहां लिखा है एज सून पॉसिबल, मतलब जितना शीघ्रता से शीघ्र। इसलिए मजिस्ट्रेट, छुट्टी भी चल रही तो मजिस्ट्रेट के घर चले जाएंगे, घर पर करा लेंगे। दोनों के बयान रिकॉर्ड होंगे यहाँ, किसके? तो कोई जुर्म स्वीकार करता है उसके, क्या किसी अन्य व्यक्ति के? तो अन्य व्यक्ति के जो साक्ष्य हैं इसमें, जैसे कन्फेशन पे नो ओथ, ओथ पे नहीं होंगे, शपथ नहीं दिलाई जाएगी। कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।
इसके अलावा जितने भी डाइन डिक्लेरेशन है, कौन सा मृत्युकालिक कथन, वो भी इसी में रिकॉर्ड होंगे। अब इसमें ये कर दिया कि ये जो वो है ना कन्फेशन, इस कन्फेशन के वीडियो ग्राफी हो जाएगी। ऑडियो वीडियो लिंकेज से मतलब ऑडियो वीडियो जब आप करा रहे हो तो उस समय वीडियोग्राफ कर लो ना कि क्या हुआ था। अच्छा निशक्त है तो उसके भी बयान इसी में आएंगे। उसकी भी वीडियो फिल्म तैयार कराई जाएगी। ठीक है 164 को इम्पोर्टेंट है, एक बार बेरेक से पढ़ लो और फिर नोट्स को पढ़ना। नोट्स में तो बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने। अब कोई आदमी कन्फेशन कर रहा होता है ना तो उससे कहा जाता है देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अपनी बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो, आप चाहो तो बिल्कुल स्वीकार मत करो। ठीक है चलो 10 से 15 मिनट का ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद आज का कल जो पढ़ाया था ना सीआरपीसी में उसका एक डीटीपी भी लेंगे। अभी जो कल पढ़ाया था उसका एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी लेंगे। कल का टेस्ट के लिस्ट मेरे पास आ गई है। पहले टेस्ट पेपर में तृप्ति के 93 आए, इसके लिए ताली बजा दो। सबसे ज्यादा नंबर तृप्ति के हैं। दूसरे नंबर पे खुशबू के हैं, खुशबू के लिए भी ताली बजा दो। और तीसरे नंबर पे रेखा 81 आए हैं। और चौथे नंबर पर राकेश, इसके भी 80 आए हैं, 80% है। अब 80 से नीचे वालों के मैं नाम नहीं बोलूंगा। अस्सी वालों से नीचे, क्योंकि 80 से नीचे वाले तो फेल हैं। 80 से नीचे जिनके आ रहे हैं वो फेल हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। कौन कौन लोग हैं जो पेपर नहीं दिया था, हाथ उठाना। पेपर क्यों नहीं दिया था? हाँ आप लोगों ने दिया, तीनों ने दिया था पेपर। आपने पेपर, हाँ भाई राम पेपर दिया था, क्यों नहीं दिया था पेपर, क्यों नहीं देता? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि प्रत्येक पेपर जो हम टाइप कराते हैं बनवाते हैं हमें हमारे पेपर की कॉस्ट करीब करीब 2000 रुपये आ रही है, 1500 से 2000 रुपये। एक फैकल्टी बनी हुई है वो अपलोड करती है इसे, एक एक क्वेश्चन को वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, एक फिर प्रूफ रीडिंग देखता है। 3 आदमी कंटिन्यू उस टेस्ट पेपर के 100 क्वेश्चन के लिए लगते हैं। इसके अलावा
हम तीनों टीचर्स भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेना, यहां से लो ये लो ये लो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन। उसमें कुछ क्वेश्चंस पुराने पेपर्स के भी होते हैं, जो पुराने पेपर में भी आए हुए हैं। पुराने पेपर के इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा एक स्तर उस रूप में रहे। यदि आप नहीं कर रहे ना तो अच्छा नहीं है वो आपके लिए। भाई आपका पर डे का टेस्ट है, आप कैजुअल ले रहे हैं उसको। अब जिनके नंबर कम रहे हैं ना बहुत, एक मान सिंह है उसके तो 5 ही नंबर आए हैं, दिनेश है 22 ही नंबर आए हैं, सुरभि है 28 ही आए हैं, रमेश 34 नंबर आए हैं। बहुत बुरी हालत है। कल बारा तेरे से याद क्यों नहीं हुआ? विकास 35 ही नंबर आए हैं, बीनू 38। ये तेरे से तो यही है जिसे एग्जाम नहीं देना। अरविंद 38, दीपांशी 39, मनीषा 16 41, ममता 43, प्रियंका 45, अनुज बहुत बुरी हालत है भाई 46 नंबर आए, अनिरुद्ध 47, भारती 48, जितेंद्र 48, चाली 48, 49, चाली के 49 है, राधिका 50, लिशा 51, पायल 53, रिया 57, लक्षा 57। ये तो फादर इसके कहते हैं कि जी अभी जॉब कर रही है, मेंस आएगा जब हम छोड़ देंगे। अरे मेंस तो देने का मौका मिलेगा जब ना। वो मतलब कितना कैजुअल लेते हैं लोग। और जिनके जिनके जैसे गर्ल्स में या जिन लोगों के कम स्कोर पे सिलेक्शन हो भी जाएगा ना प्रीलिम्स में, तो मेंस नहीं पास हो रहे। वो तो सिर्फ बराती हैं, उनकी किसी की शादी नहीं हो रही। वो तो बारात में जा रहे हैं कि हाँ ठीक है हम भी लिख रहे हैं, भीड़ है। वो तो जो 80 या 80+ स्कोर कर रहे हैं ना, फाइनली सिलेक्शन उन्हीं के होंगे। कट ऑफ तो नीचे जा सकती है, क्योंकि 222 सीटें हैं, सीट्स बहुत ज्यादा हैं। प्रीलिम्स पास हो सकते हो, लेकिन पास फाइनली नहीं हो रहे। यही आप इतना स्कोर कर दोगे तो होगे। कितने बार पढ़ा था आप लोगों ने ये? और भी है नाम, किसी का नाम नहीं आया जिसका जिसको पता ना चला हो कितना है? कितने आए नहीं पता चला? पेपर दिया था, क्या नाम है? अर्चना। अर्चना 77 आए, 77। थोड़ा सा और दम लगाओ। प्रकृति 77, आशा 73, तारा 72, कोमल 70, सोनू 66, अशोक तुम्हारा स्कोर कैसे कम रहा? हाँ ये बात सही कह रहे हो, क्योंकि जैसे
कल क्या है, पेपर तो मैंने पहले सेट कर ही दिया था कि पेपर कहाँ तक जाना है, लेकिन कल क्या है कि उतना जितना हम टारगेट कर लेके आया था, मैं टारगेट लाया था कि फर्स्ट चैप्टर और 12 मेरे को कंप्लीट करना है, तो कल टारगेट पूरा हुआ नहीं था। अब पेपर तो रात में बन जाता है ना, सुबह बन गया, आज का वाला भी सुबह बन गया है। आज वाले में कुछ क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे, चैप्टर 12 में से ही। चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये जिनके जिन्होंने पिछले बार भी आए मेरे से सीआरपीसी पढ़ ली है ना, उनका स्कोर अच्छा है, इन्होंने पढ़ ली है, और सीआरपीसी को हमने बहुत 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 अच्छे से करवाया था, अभी भी बहुत अच्छे से करा रहे हैं, लेकिन यू विल हैव टू रिटेन इट इन योर माइंड। माइंड में तो हमें रिटेन करना पड़ेगा, बात नहीं रिटेन तो हमें करना पड़ेगा ना, और रिटेन करने के लिए ब्रीफिंग करो, एक तो नोट्स पढ़ो, और बियर एक्ट में कुछ नोट्स में हो सकता है कि नोट्स से बाहर भी आ जाए, कुछ हिस्सा नोट्स से बाहर आ जाए, तो जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूं बियर एक्ट पढ़ लो, जैसे बियर एक्ट की कहता हूं ना पढ़ने के लिए, तो बियर एक्ट में बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो एक बार पढ़ने का तो होता है, लेकिन उसमें से जो हमारे काम का है ना मक्खन, वो अलग निकालना है, वो निकालना है तो उनके पॉइंट्स में लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, पूरा लिखोगे तो याद नहीं होगा, पूरी सीआरपीसी एग्जाम निकल जाए सीआरपीसी याद नहीं होगी। अभी तो क्या आवश्यकता है, पहले वो करो, भगवान कृष्ण ने कहा है, ये मेरा वचन नहीं है पर मुझे अच्छा लगता है, पहले वो करो जो आवश्यक है। क्या है तो अभी आवश्यक ये है कि इसमें से आवश्यक आवश्यक पार्ट हम निकालेंगे, दोनों है आवश्यक और अनावश्यक, तो अति आवश्यक को हम निकाल रहे हैं, फिर वो करो जो संभव है, तो संभव के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत सारा है। इसके एक्सप्लेनेशन पे चले जाओ, उन पे चले जाओ, उनकी आवश्यकता नहीं है, हमें रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना, बिल्कुल नया फ्रेश स्टूडेंट पास हो जाता है और पुराना फेल हो जाता है, उसके पीछे कारण समझते हो, पुराना रिसर्च स्कॉलर बन के ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहा है जो जिनकी आवश्यकता नहीं है, और उससे उससे अति महत्वपूर्ण चीजें कमजोर रह रही हैं, और वो उनकी गलतियां कर रहा है, क्या समझ में आई, अति महत्वपूर्ण चीजें